सदियों से हम स्त्री और पुरुष की पहचान उनके बालों से ही करते आ रहे हैं। अगर छोटे बाल हैं तो लड़का, और अगर लंबे बाल हों तो लड़की, और अगर इसमें अदल बदल हो तो समाज हिल जाता है। हमें बड़े बड़े लेक्चर मिलते हैं, ये समाज की रूल बुक है कहाँ, जिसमें बताया जाता है कि औरत को सुंदर लगने के लिए सर के बाल उगाने पड़ेंगे और सारे शरीर के बाल उतारने पड़ेंगे। ये कब और कैसे डिसाइड हुआ, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। नेचर ने हमें बॉडी हेयर दिए हैं जिसके बहुत ही सारे फायदे हैं। तो आप चलते हैं उस कार्यक्रम के टूवर्ड जिसके लिए आज आप यहाँ पर आए हैं सब हमें देखने के लिए। और देखते हैं, फाइनली हम आ चुके हैं एक लोकल बार्बर में, मेन सलून में। आज हमारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट करके रखा है और अब ये करने वाले हैं अंडर आर्म शेव। भैया, आपने कभी किसी लड़की का अंडर आर्म किया है? नहीं, मैंने नहीं किया। तो ये आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो आपको कैसा लग रहा है? ठीक है जी। तो ये हो गया है हेयरी अंडरआर्म शेव एक तरफ से। तो ये दूसरे हाथ पर भी फ्रेंड्स होने ही वाला है और बहुत ही जल्दी हो रहा है। ओ माय गॉड, काफी साइलेंटली सारा काम तमाम हो रहा है। इतने सालों की मेहनत गई पानी में। भैया, आपको तो नहीं डर लग रहा? नहीं, नहीं। तो हम भैया को पैसे दे रहा तो भूल ही गए। तो भैया से पूछते हैं, भैया कितने पैसे लोगे? भैया कितने पैसे हैं? 100 रुपए। कुछ काम कर दो। चलो फ्रेंड्स, तो हमारे 100 रुपए लगे और हमारा काम हो गया।